हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है मैं बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट पॉइंट हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बताता हूँ FMD का पूरा नाम क्या है, फूट माउथ डिजीज। ये किससे होता है, इसको और किस नाम जाना जाता है फ्रेंड, एप्थॉस फीवर। किस नाम से? एप्थॉस फीवर। ये किससे होता है? एप्थो वायरस से। ठीक है, फैमिली क्या है उसकी एफ्थोवायरस की? पिकोर्नाविडी। आपको फ्रेंड याद रखना है। और फ्रेंड, जो FMD फोर्थ माउथ डिजीज का जो वायरस होता है एफ्थोवायरस, इसमें केस के जो है 7 स्ट्रेन रहते हैं। ठीक है, 7 स्ट्रेन में कौन कौन से हो गए? ओ, ए, सी, इसके बाद SAT 1, SAT 2, SAT 3। ठीक है, 1, 2, 3, SAT 1, 2, 3। इसके बाद कौन सा होता है? ACR1। ठीक है फ्रेंड, ये 7 स्ट्रेन होते हैं किसके? FMD के। लेकिन फ्रेंड, अभी तक जो है सबसे ज़्यादा आउटब्रेक जो FMD का हुआ है वो हुआ है स्ट्रेन ओ से। आपको ये याद रखना है। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, ये हमेशा क्लोवेन फुटेड एनिमल में ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे कैटल, बफेलो, सी, बोट, ये सब क्लोवेन फुटेड एनिमल है। और हॉर्स जो है रेजिस्टेंट होता है, हॉर्स में नहीं होता है। हॉर्स FMD के प्रति क्या होता है? रेजिस्टेंट। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या है? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर पता है, थोड़े थोड़े फफोले हो जाते हैं, मतलब स्किल से बनाता है और बाद में जो है ये अल्सर का रूप ले लेता है। अब कहाँ कहाँ पे हो सकता है ऐसा? उसके जो है डेंटल पैड में हो सकता है, टंग में हो सकता है, लिप्स पे हो सकता है, इसके अलावा जो है फीट पे हो सकता है। उसकी वजह से क्या होता है? लेमनेस भी होता है। ठीक है, तो ये होता है उसका सिम्टम्स। अब फ्रेंड इसमें बताते हैं, मायोकार्डाइटिस होता है। ठीक है, मायोकार्डाइटिस कहाँ होता है फ्रेंड? स्पेशली जो कॉफ होता है, कॉफ का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, मायोकार्डाइटिस होता है। ठीक है, तो मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो उसमें जो है स्ट्रिप बनता है। ठीक है, स्ट्रिप जैसे टाइगर का जो है बॉडी पे स्ट्रिप रहती है, उसी तरह से स्ट्रिप बनता है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रिगोइड हर्ड। ठीक है, ट्रिगोइड हर्ड। आपको ये पॉइंट याद रखना, ट्रिगोइड हर्ड किसमें पाया जाता है? FMD के केस में। ठीक है, स्पेशली कॉफ में। ठीक है, ए हो गया FMD। अब बात करते हैं रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट फ्रेंड जो है इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। आपको ये पहला पॉइंट यही याद रखना है, ये इंडिया से गायब हो चुका है। इसको किस नाम जाना जाता है? कैटल प्लेग। किस नाम जाना जाता है? कैटल प्लेग। और ये किससे होता है? मॉर्बुली वायरस। ठीक है, मॉर्बुली वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है रिंडरपेस्ट का। और ये जो है एंटीजेनिकली, मतलब किससे रिलेटेड रिलेशन है इसका? इसका जो है, इसके वायरस का जो रिलेशन किससे होता है? PPR से रहता है, क्योंकि PPR भी मॉर्बुली वायरस से ही होता है। और डॉग में होने वाला कौन सा इंपॉर्टेंट है? कैनाइन डिस्टेंपर। ठीक है, तो वो जो कैनाइन डिस्टेंपर होता है वो भी जो है इससे रिलेटेड, क्योंकि वो भी मॉर्बुली वायरस से ही होता है। ठीक है, तो आपको ये एंटीजेनिकली रिलेशन याद रखना है। और इसमें फ्रेंड होता क्या है, स्मॉल ब्रांड लाइक डिपॉजिट होता है। कहाँ पे? उसके लिप्स पे, उसके गम पे या टंग पे। ठीक है, ब्रांड लाइक डिपॉजिट आपको याद रखना है। अगला याद रखना है शूटिंग डायरिया। ठीक है, शूटिंग डायरिया जो है किससे संबंधित है? रिंडरपेस्ट से। ठीक है, अगला क्या है फ्रेंड, क्या होता है? रेक्टम में जो है लीनियर हेमरेजेज होता है रेक्टम में। ठीक है, इसमें रिंडरपेस्ट के केस में क्या होता है? रेक्टम में जो है लीनियर हेमरेज होता है। और अगर रेक्टम में लीनियर हेमरेज होता है तो वो जो है एक स्ट्रिप की तरह दिखता है। ठीक है, एक स्ट्रिप की तरह दिखता है, तो उसको बोलते हैं जेब्रा मार्किंग। क्या बोलते हैं? जेब्रा मार्किंग। ठीक है, लीनियर हेमरेजेज ऑन जेब्रा मार्किंग किसमें? रेक्टम में स्पेशली, आपको याद रखना है। ठीक है, अब फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया, अगला क्या है? PPR। PPR को क्या बोलते हैं? गोट प्लेग। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा मैंने बताया एंटीजेनिक रिलेशनशिप किससे करता है? रिंडरपेस्ट से। तो इसका जो कास्ट एजेंट क्या है? मॉर्बुली वायरस। और एक कॉज क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। और फ्रेंड इसमें भी जो है इलियोसैकल जो है रीजन पे जो है हेमरेजेस होता है। ठीक है, लीनियर हेमरेजेस कहाँ पे? इलियोसिकल रीजन पे हेमरेजेस होता है। तो इसमें भी जेब्रा मार्किंग बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं BT। BT क्या है? ब्लू टंग डिजीज। ब्लू टंग इन सिप, स्पेशली किस में होता है? सिप में होता है। तो इसको अलग नाम से किस नाम जानते हैं? स्टिफ लैम डिजीज, कैटरल फीवर ऑफ सिप एंड सोर मजल। सोर मजल मतलब क्या होता है? पेन मजल। ठीक है, पेनफुल रहता है। तो ये किससे होता है आपको याद रखना? ऑर्बी वायरस। ठीक है, ऑर्बी वायरस से होता है, लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करता है? केलोक्वाइट्स, जो एक प्रकार का बाइटिंग जो है इंसेक्ट्स है।
ये बाइट करता है तो उसकी वजह से जो है और भी वायरस जो है फैलाता है, ठीक है, दूसरे एनिमल मतलब कि दूसरे सीप में। तो ये जो है एक कैरियर का काम करता है केलिकॉइड्स। अब इसके बाद फ्रेंड आपको रखना है ओडिमेटस स्वेलिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, उसके माउथ में हो सकता है, उसके टंग में हो सकता है, उसके डेंटल पैड में हो सकता है। तो यहाँ पर इस जगह पर स्वेलिंग होती है, स्पेशली जो है टंग जो है वो स्वेल कर जाता है और टंग जो है साइनोटिक कलर की हो जाती है और साइनोटिक या पर्पल कलर की, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड इसको क्या बोलते हैं, ब्लू टंग, क्योंकि इसमें टंग जो है स्वेलिंग रहती है, साइनोटिक और पर्पल कलर की हो जाती है, ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं ब्लू टंग। ओके, अब बात करते हैं अगले डिजीज पे, कौन सा है, IBRT। IBRT मतलब क्या, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस, ठीक है। ये किससे होता है, बोवाइन हर्पेज वायरस। फ्रेंड आप जो है तुरंत जो है इसका नाम याद करते चलो, ठीक है, इसको क्या किस नाम जाना था, बोवाइन हर्पेज वायरस। और ये फ्रेंड क्या क्या काज करता है, अबॉर्शन। कब अबॉर्शन काज करता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, अबॉर्शन काज करेगा या तो जो है डेड फिटस होगा, ठीक है, उसको स्टील बर्थ बोलते हैं। और इसमें जो है रेड नोज कंडीशन आती है और पिंक आई डिजीज भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जबकि पिंक आई डिजीज जो है एक कंडीशन आएगी मोरेक्जिला बोइस में, उसमें मैं बताऊँगा बाद में वो बैक्टीरियल से, लेकिन अगर वायरल में पूछा जाए तो ये होता है IBRT केस में, ठीक है, पिंक आई डिजीज आपको याद रखना है, ये जो है वायरल से भी होता है। अब ये फ्रेंड किस IBRT जो वायरस रहता है, बोवाइन हर्पेज वायरस, ये किस किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जेनिटल सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसा कि आप देख ही रहे हो अबॉर्शन, रेस्पिरेटरी में देख ही रहे हो रेड नोज और ये सब, और ब्रेन को भी अफेक्ट करता है और आई को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फ्रेंड जो अगला मैंने वायरल डिजीज लिया है एनिमल का, वो है मैलिग्नेंट कैटरल फीवर। कौन सा, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर, ठीक है, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर इन किसमें, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर इन बोवाइन, ठीक है। तो इसको फ्रेंड ये नाम याद रखिए, स्नोट सिक्टे डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर को क्या बोलते हैं, स्नोट सिक्टे डिजीज। और ये किससे होता है, बोवाइन हर्पेज वायरस सेकेंड से, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है फ्रेंड, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर में कैटरल एंड म्यूकोपुरुलेंट इन्फ्लामेशन, ठीक है, कौन सा, कैटरल एंड म्यूकोपुरुलेंट इन्फ्लामेशन किसका होता है, आई का और नोज का, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन भी कौन सा, कैटरल एंड म्यूकोपुरुलेंट टाइप का। और फ्रेंड जो इसका जो वायरस होता है ये लिम्फोप्रोलिफेरिक नेचर इन होता है, ठीक है, मतलब कि लिम्फ ग्लैंड में जो है वहाँ पर प्रोलिफेरिक इसका होता है प्रोलिफिकेशन, तो याद रखना है, ठीक है, मैलिग्नेंट कैटरल फीवर। अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, बोवाइन वायरल डायरिया, इसको क्या बोलते हैं, BVD। BVD को क्या बोलते हैं, म्यूकोसल डिजीज, ठीक है, बोवाइन वायरल डायरिया को क्या नाम देते हैं, म्यूकोसल डिजीज। और ये किससे होता है, पेस्टी वायरस से, किससे होता है फ्रेंड, पेस्टी वायरस, ये पॉइंट आपको याद रखना है, BVD किससे होता है, पेस्टी वायरस से। और ये किससे एंटीजेनिकली रिलेटेड है, तो आपको बता दूँ जो BVD होता है ये रिलेटेड होता है स्वाइन फीवर से। स्वाइन फीवर फ्रेंड दो होता है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है, एक होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर और एक होता है सिंपल सा स्वाइन फीवर या क्लासिकल स्वाइन फीवर। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्वाइन फीवर की बात कर रहा हूँ, कौन सा, क्लासिकल स्वाइन फीवर, ठीक है। और बॉर्डर डिजीज इन शिप, ठीक है, ये इससे रिलेटेड रिलेशन रखता है। इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया एनिमल में तो अर्ली स्टेज में होता है और मिड स्टेज में क्या प्रॉब्लम आ सकती है जो फिटस हो रहा है, तो अगर अर्ली में होता है तो इससे क्या हो सकता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो सकता है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। और अगर मिड में हुआ तो एबॉर्शन काज कर देगा, एबॉर्शन काज करेगा या तो जो है सेरेब्रल हाइपोप्लासिया काज करेगा, ठीक है, सेरेब्रल हाइपोप्लासिया। ओके, और फ्रेंड इस केस में जो है सेलाइवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सेसिव सेलाइवेशन, क्योंकि और फ्रेंड तो जान ही रहे नाम ही डायरिया, तो डायरिया तो होगा ही। अब अगली बात, अगला जो वायरल डिजीज है वो है इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, ठीक है, जैसा कि नाम में ही है इसमें एनीमिया होना ही है, ठीक है, और किस में होता है, इक्वाइन मतलब कि हॉर्स में। तो इसका जो दूसरा नाम है इसको स्वैम्प फीवर भी बोलते हैं, फ्रेंड आपको याद रखना, स्वैम्प फीवर किसको बोलते हैं, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया को। और अगला क्या नाम है इसका, इक्वाइन मलेरिया फीवर, इसको मलेरिया फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, किस में, इक्वाइन में। और फ्रेंड अब ये होता किससे है, लेंटीवायरस से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो वेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, वेंट्रल पार्ट मतलब एब्डोमिनल रीजन में, वहाँ पे ओडोमेटस स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है,
ओडिमा वहाँ पे हो जाता है, ठीक है, इडिमा, ठीक है, इडिमा फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, वेंट्रल वाल पे। अब अगली बात है आपको याद रखना है, एनीमिया होना है, ठीक है, इन्फेक्शियस एनीमिया। तो क्या क्या होता है वहाँ पे, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी कहाँ पे, बोन मैरो और स्प्लिन में, ठीक है, बोन मैरो और स्प्लिन में हाइपरट्रॉफी हो जाता है, किससे, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया में। और टेस्ट कौन सा करते हैं फ्रेंड, आपको याद रखना, कोगिन टेस्ट। कोगिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, आपको याद रखना कोगिन टेस्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोगिन टेस्ट। और फ्रेंड इसमें एनीमिया कौन से टाइप का होता है, नार्मोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिन टाइप का एनीमिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा किससे होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप वन से, ठीक है, टाइप ए से। अब टाइप ए में भी दो हैं, टाइप वन टाइप टू। जो टाइप वन है H7N7 और टाइप टू क्या है H3N3, आपको याद रखना है। और फ्रेंड कोई भी इन्फ्लुएंजा होता है तो उसमें रिस्पायरेटरी इलनेस कॉज होता ही है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ हो दिमाग नहीं लगाना है। और ये होता है, और जो फोल मतलब जो यंग वन में से उसमें क्या होता है, निमोनिया होता है, ठीक है। और ये ब्रोंकियोलाइटिस, ये कंडीशन आती है उसमें, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में। अब अगला जो बात करते हैं, अगला वो जो वायरल डिजीज है वो है इक्वाइन वायरल आर्थराइटिस। इसका तो फ्रेंड सिर्फ जो है आप वो याद कर लीजिए, किससे होता है, टोगा वायरस से, ठीक है। लेकिन रिसेंटली इसको माना गया है कि जो है कोरोना वायरस, लेकिन जो है ये टोगा वायरस से होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, एडिमा ही बनता है। एडिमा किस में होता है, लिम्ब में होता है, पल्पेब्रल में होता है, और निमोनिक कंडीशन भी आती है। और अगर फीमेल जो है अगर प्रेग्नेंट है तो उसका एबॉर्शन भी हो जाता है, ओके फ्रेंड। अब फ्रेंड अब बढ़ते हैं अगले वायरल डिजीज की तरफ। अगला जो वायरल डिजीज मैंने लिया है विजना या मेडी डिजीज, ठीक है। एक्चुअली फ्रेंड विजना मेडी दो तरह के डिजीज हैं, अलग अलग डिजीज हैं, लेकिन ये एक साथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, इनवन में। तो विजना मेडी डिजीज इसको बोलते हैं, एक ही दोनों साथ मिल के। इसको अलग नाम से क्या जाना जाता है, दूसरे नाम से वाइन, वाइन मतलब सीप गोट, ठीक है, वाइन प्रोग्रेसिव निमोनिया, ठीक है। आपको वाइन मतलब कि सीप, वाइन मतलब सीप, सीप में जो है ये प्रोग्रेसिव निमोनिया काज करता है। और किसकी वजह से होता है, लेंटी वायरस। इसका कास्टिव एजेंट क्या है फ्रेंड, लेंटी वायरस। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ विजना मतलब क्या होता है, वास्टिंग, ठीक है, और मेडी मतलब क्या होता है, डिसनिया, ओके फ्रेंड। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ द सीएनएस। विजना में क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन, ठीक है, मतलब ब्रेन में डीमाइलिनेशन ऑफ सीएनएस। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिप रहता है वो पैरालिसिस हो जाता है उसका, ठीक है, इसलिए वास्टिंग। और डिसनिया मतलब क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है, कौन सा, इंटरस्टिशियल निमोनिया। फ्रेंड ये जो डिजीज है ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, इसलिए इसको स्लो वायरल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, स्लो वायरल डिजीज। तो विजना मेडी में आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, वाइन प्रोग्रेसिव निमोनिया। किसकी वजह से होता है, लेंटी वायरस होता है। इसमें विजना और मेडी दो अलग अलग डिजीज होते हैं, लेकिन एक साथ में ही इसको लेते हैं, ठीक है। विजना वास्टिंग डिजीज होता है और मेडी मतलब क्या होता है, डिसनिया। विजना में क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव डीमाइलिनेशन ऑफ द सीएनएस, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है। और डिसनिया मतलब क्या होता है, स्लो प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल निमोनिया, मतलब वो निमोनिया हो जाता है, इसलिए इसको वाइन प्रोग्रेसिव निमोनिया बोलते हैं। अब फ्रेंड अगला जो डिजीज है वो है क्या, जैक सिट के। कौन सा, जैक सिट के। इसके पहले आपने स्नोट सिक्टे पढ़ा है, उससे कन्फ्यूजन मत होइए, ये है जैक सिक्टे, जैक सिक्टे। अब आ जाइए, इसको जो है दो नाम से जाना जाता है, दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एक्चुअल में ये क्या होता है, एक प्रकार से कैंसर होता है समझ लो, ठीक है, वाइन पल्मोनरी एडिनोमाइटोसिस या पल्मोनरी कार्सिनोमा ऑफ सिप इसको बोलते हैं, ठीक है। जैक सिट को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कार्सिनोमा ऑफ सिप, याद रखो। और ये किससे होता है, टाइप डी ओंकोवायरस, जो हर्पेस वायरस फैमिली से है, ठीक है, टाइप डी ओंकोवायरस। अब फ्रेंड इसमें क्या होता है, नोज से जो है लार्ज नंबर ऑफ जो है कैटरल जो है नेजल डिस्चार्ज होता है।
तो फ्रेंड इसके लिए जो है लार्ज नंबर ऑफ कितना, बहुत सारे लार्ज अमाउंट जो है कैटरल नेजल डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए जो है व्हील बारो टेस्ट कहते हैं। व्हील बारो टेस्ट फ्रेंड मतलब क्या होता है, इसको जो सिप को जो है पैर से पकड़ के उल्टा लटका दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है उससे नेजल से जो है बहुत सारे कैटरल टाइप का जो है नेजल डिस्चार्ज वो बाहर निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं टेस्ट, कौन सा है, व्हील बारो टेस्ट। ठीक है, वो लटकाने के लिए उसका जो है वो निकालने के लिए। और फ्रेंड इसमें इन्वॉल्व कौन कौन सा होता है, लंग्स का, लंग्स का जो है न्यूमोसाइट जो सेल रहते हैं स्पेशली टाइप सेकेंड, ठीक है, न्यूमोसाइट सेकेंड और क्लारा सेल जो है ये इन्वॉल्व रहती है। आपको फ्रेंड याद रखना है जैक्सिक्टियम कौन सा, न्यूमोसाइट सेकेंड और क्लारा सेल। और फ्रेंड ऑप्टोप्सी में देखा गया, मतलब जब उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो जो लंग होता है वो डबल इन साइज हो जाता है, लंग इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है और उसका अगर वेट किया जाता है तो कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा जो है लंग का वेट रहता है। वजह क्या है, ये जो है कैटरल जो फ्लूड होता है उसमें भरा रहता है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया अबाउट जैक्सिक के। अब बात करते हैं स्क्रैपी डिजीज। स्क्रैपी डिजीज क्या होता है, ओवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी। स्क्रैपी मतलब क्या है, ओवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी, ठीक है, मतलब सिप में। ये किसकी वजह से होता है, प्रियान की वजह से। प्रियान क्या होता है, प्रोटीन, मतलब एक इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होता है। ठीक है, वायरस में क्या होता है, अंदर जो है कोई तो न्यूक्लिक एसिड रहता है, उसके चारों तरफ जो है प्रोटीन की कवर होती है, लेकिन प्रियांस में क्या होता है, सिर्फ वो प्रोटीन का कवर ही रहता है, उसके अंदर कोई भी डीएनए कोई भी आरएनए नहीं रहता। ठीक है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड नहीं रहता। और इसके केस में क्या होता है, जो सीप होता है वो हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है। ठीक है, हाइपर एक्साइटेबल हो जाते हैं, उसमें क्या होता है वो अपने हेड को जो है सीधा करके और लॉन्ग स्टेप गेट, मतलब दूर दूर पैर रखता है। तो आपको याद रखना हाइपर एक्साइटेबल इरेक्ट हेड विथ हाई स्टेपिंग गेट। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड ये जो है नर्वल डिसऑर्डर कॉज करता है, तो इसमें जो है इम्यूनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब पूछा जाए इम्यूनिटी कौन सी, इम्यूनिटी जो है फ्रेंड दो तरह का होता है, किसी दूसरे टॉपिक में मैं कवर कर लूँगा। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक होता है ह्यूमोरल, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब लिम्फोसाइट और सेल मेडिएटेड मतलब टी सेल्स द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों इम्यूनिटी जो है उसमें लैक हो जाती है। और फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, इसमें कहीं भी कोई भी इन्फ्लामेशन सो नहीं होता है, किसी भी आर्गन का इन्फ्लामेशन सो नहीं होता है, मतलब कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये सब कुछ सो नहीं होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा घातक ये है। और इसके लिए जो है आईलिड टेस्ट किया जाता है, ठीक है, फॉरन में किया जाता है। अब इसका जो कैरेक्टर साइन सिम्टम्स क्या है, मसल स्ट्रीमर, ठीक है, इंटेंस प्रोराइटिस मतलब बहुत ज़्यादा वो जो है इचिंग करने लगता है, इंटेंस प्रोराइटिस, और इसी को क्या बोलते हैं स्टूपर, आपको ये नाम याद रखना है। और फाइनली जो है एटैक्सिया डेवलप होता है और उसके सिप की डेथ हो जाती है। तो ये हो गया ओवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी, क्या नाम बोलते हैं, स्क्रैपी डिजीज। स्क्रैपी डिजीज किसके होता है, OSE, याद रखो। अब आ जाओ मैड काउ डिजीज। अब जैसे यहाँ पे ओवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी इसको स्क्रैपी डिजीज कहते हैं, यहाँ पे बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी, क्या नाम बताया, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी। फ्रेंड इसके नाम में ही है, बोवाइन मतलब कि कैटल हो गया, स्पॉन्जी फॉर्म मतलब जो उसका ब्रेन होता है इंसेफलोपैथी, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम आती है वो स्पॉन्जी लाइक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है मैड काउ डिजीज, मतलब पागल हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, प्रियान की वजह से होता है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है नॉन इन्फ्लामेटरी होता है और डीजनरेटिव चेंजेज इन CNS करता है, मतलब कि CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो कैटल जो है पूरी तरह से कोई बिहेवियर सो, मतलब कि अनकंट्रोल बिहेवियर, हमेशा अग्रेसिव रहती है। ठीक है, अनकंट्रोल बिहेवियर। और अगर देखा जाए वैकुलेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, वैकुलेशन इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन ऑफ न्यूरोपिल, ठीक है, न्यूरोपल, इसी को जो है स्पॉन्जियोसिस बोलते हैं। स्पॉन्जियोसिस किसको बोलते हैं फ्रेंड, वैकुलेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन में। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना इसको स्पॉन्जियोसिस बोलते हैं। और अगर इसको स्टेन दिया जाता है तो कोई भी स्टेन जो है लेता नहीं है, मतलब अनस्टेन स्ट्रक्चर होता है। अब फ्रेंड आ जाइए अगला जो है डिजीज जो मैंने वायरल लिया है वो है FSE। एफ मतलब फेलाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी, मतलब यहाँ पे तीन जो है प्रियान से होने वाला डिजीज मैंने ले लिया, स्क्रैपी डिजीज जिसे जो है ओवाइन मतलब सिप में होने वाला स्क्रैपी, कैटल में होने वाला मैड काउ डिजीज, अब ये फेलाइन, फेलाइन मतलब ये कैट में होगा। ठीक है, कैट हो गया, टाइगर हो गया, इन सब में होता है।
तो ये किस में हो सकता है, जैसे कैट हुआ, टाइगर हुआ, लायन हुआ, इन सब में जो है कैसे हो सकता है कि मान लो जो कोई इन्फेक्टेड जो है बुआइन है, ठीक है, इन्फेक्टेड बॉयन मतलब कैटल है, उसका मांस जो है जो ऑफल रहता है, अगर वो कैट खा ले या तो टाइगर को दे दिया जाए, तो लायन को दे दिया जाए, तो उसकी वजह से जो है फेलाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफलोपैथी हो सकती है। और इसमें भी जो है फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा और कोई भी इन्फ्लामेटरी साइन नहीं दिखेंगे। ओके फ्रेंड, और फ्रेंड इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो विजना मैडी होता है, ठीक है, एक चीज़ भूल गया मैं, विजना मैडी में क्या होता है, धीरे धीरे इसकी कंडीशन जो है पतला ही रहता है, मतलब कि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं रहती। बहुत लोगों का जो ओनर का कोई क्या रहता है कि हमारी जो है ये जो है क्या कहते हैं अपना सिप, बहुत इसको खाना दिया जाता है लेकिन ये जो है मोटी ही नहीं हो रही है, तो फ्रेंड हो सकता है उसको इस प्रॉब्लम में हो सकता है उसको इस वायरस का प्रॉब्लम हो, ठीक है, क्योंकि कितना भी इसको खाना सफिशियंट दे, मतलब इसमें खाना भी अच्छे से खाती है लेकिन उसकी कंडीशन हमेशा वास्टिंग ही रहती है, ठीक है, धीरे धीरे वो कंडीशन ख़राब ही होती रहती है। अभी तक जो है वायरल डिजीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो 15 ही हुए हैं, अभी लगभग 15-16 और हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।